हेलो एवरीवन। अच्छा गाइस, चाहे एस्पायरिंग क्रिकेटर हो या प्रोफेशनल क्रिकेटर हो, लेदर बॉल से ऑब्वियसली आप खेल रहे होंगे, लेकिन जो सबसे अच्छी मेमोरीज होती हैं वो आपके बचपन की वो होती हैं टेनिस बॉल से। तो आज मैं एक्साइटेड हूँ और आप देख रहे हैं आई एम शूटिंग अ व्लॉग फॉर यू। अभी अभी घर से बाहर निकला हूँ और स्ट्रेट अवे मैं जा रहा हूँ डीकैथलॉन, जिन्होंने इन्वाइट किया है कि वो क्रिकेट का सामान जो उनका है, चाहे लेदर बॉल का हो या टेनिस बॉल का हो, वो चलकर उसको ऑब्जर्व किया जाए, देखा जाए, उसको रिव्यू किया जाए। तो हम लोग चलेंगे डीकैथलॉन। और सबसे कमाल की बात मालूम क्या है गाइस, कि चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वसीम अकरम हो, सबकी जर्नी कहीं ना कहीं टेप बॉल से हुई है। तो बॉल का सामान भी वहाँ पर अवेलेबल है, लाइक बैट्स अवेलेबल हैं, तो वो भी चेकआउट करेंगे। और एक ही जगह, आई थिंक एक ही स्टोर में, एक ही विसिनिटी में अगर लेदर बॉल का भी सामान और क्रिकेट बॉल का भी सामान अवेलेबल हो, जो कि आई थिंक डिफरेंट वेराइटीज़ में अवेलेबल हो, तो नथिंग लाइक इट। तो आई एम एक्साइटेड और देखते हैं सामान कैसा। ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा आपको मैं कि क्या स्टफ है डीकैथलॉन का और क्या आपको यूज़ करना चाहिए। लेट्स गो। तो गाइज अब डीकैथलॉन चल रहा है जो कि यहाँ से 15 मिनट के रास्ते पे है, और लेट्स सी वहाँ पर क्या स्टफ है, कैसा सामान है, चलते हैं वहाँ पर। और उसको हम लोग यूज़ भी करेंगे, लाइक उसका जो रिव्यू होगा, आई विल यूज़ इट। आई एम एक्साइटेड के गोइंग बैक टू ओल्ड डेज, लाइक अपने चाइल्डहुड में जाना वैसा है। तो आपको मज़ा आएगा, बस पहुंचने वाले हैं। 5 मिनट मुझे दिख रहा है यहाँ से, ये कैसे नहीं से दिख गया, आई थिंक 3rd फ्लोर पे है इस मॉल में। तो लेट्स गो, चलते हैं। एंट्री हो चुकी है, और एंट्री होते ही अब वन थिंग आई कैन सेफली से कि स्पोर्ट्स में, आई थिंक स्पोर्ट्स जो शॉप होती हैं, लाइक एक ही विसिनिटी में इतना स्टफ और इतना ह्यूज, आई थिंक मुझे अभी टीम ने बताया डीकैथलॉन की 3000 स्क्वायर फीट में ये पूरा जो स्टोर है वो, और ये अक्रॉस द बोर्ड जहाँ भी स्टोर्स होते हैं वो ह्यूज ही होते हैं। और राइट फ्रॉम स्विमिंग आई कैन सी, फ्रॉम हाइकिंग और स्केटिंग, तो सारा स्टफ जो है। ऑब्वियसली हम लोग यहाँ क्रिकेट का स्टफ देखने आए हैं, ये बीच में अनाउंसमेंट चल रहा है, लेकिन आप नाराज़ मत होना, ड्यूटी भाई लोग यार, लेकिन क्रिकेट के स्टफ के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और स्पेशली टेनिस बॉल हो गया और क्रिकेट किट जो होती है लेदर बॉल एडल्ट वाली, और हाँ जूनियर्स के लिए भी, कि बच्चों के लिए भी एक ही जगह क्वालिटी सामान हो, तो वो सब देखें। लेकिन मीन वाइल आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग क्या क्या यहाँ पर है। तो आई थिंक जो मैंने बोला था ना आपसे, वन स्टॉप डेस्टिनेशन, एक्चुअली वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। तो अगर आपको लाइक माउंट एवरेस्ट पर जाकर क्रिकेट खेलना हो बेस कैंप में, तो उसके लिए भी पूरी व्यवस्था है। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा मत करना यार। और फाइनली ये देखिए आप पीछे, यू कैन सी क्रिकेट किट। तो इसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ, क्रिकेट जो जो क्रिकेट की साइड है, जो क्रिकेट का स्पेस है यहाँ पर, तो लेट्स गो देयर और वहाँ देखते हैं वहाँ पर कैसा स्टफ है, देन आपके लिए पूरा रिव्यू करेंगे और कुछ खरीदेंगे भी यार। लेट्स गो।
एक किलोमीटर चलने के बाद क्रिकेट सेक्शन में डी कैथलॉन के यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर यू कैन सी जूनियर्स के लिए भी यहाँ पर है, लाइक सीनियर्स के लिए भी क्रिकेट किट्स अवेलेबल है। और मैंने एक किलोमीटर इसलिए बोला क्योंकि स्टोर्स डी कैथलॉन के ह्यूज हैं, तो मैंने बोला था ना आपके वन स्टॉप डेस्टिनेशन। तो क्रिकेट के सेक्शन तो आप देख ही रहे हैं मेरे अराउंड, लेकिन सारे स्पोर्ट्स यू नेम इट और ऐसे स्पोर्ट जो आपने खेले बिना उनका भी स्टफ यहाँ अवेलेबल है। तो आई थिंक ये अपने आप एक एक्सपीरियंस है। मैं पहली मरतबा डी कैथलॉन आया तो इट इज़ फन, और अभी अभी वी आर स्टार्टिंग और क्रिकेट के स्टफ का यहाँ पर आपके सामने अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ मैं FLX की। और मैं एक्साइटेड और भी ज़्यादा इसलिए हूँ क्योंकि पहली मरतबा एक ही जगह आई कैन सी टेनिस का स्टफ भी। ये देखिए टेनिस बॉल का पीछे मेरे, तो टेनिस बॉल यार अगेन इट्स लाइक गोइंग बैक इन टाइम। दोबारा आपने बचपन में जाते हो, दोबारा टेनिस बॉल, सबसे पहले टेनिस बॉल उठाते हैं ना हम लोग खेलने के लिए यार गली मोहल्लों में। दिस विल बी फन, टेनिस का स्टफ है, इसका भी रिव्यू करेंगे, इसका स्टफ देखेंगे कैसा है। बहुत दिनों बाद टेनिस का बैट मेरे हाथ में आएगा और अडल्ट क्रिकेट किट एंड जूनियर्स बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी सामान देखेंगे और बताऊँगा आपको, ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा क्वालिटी का। सो लेट्स स्टार्ट। डी कैथलॉन का FLX जो कि उनका क्रिकेट ब्रांड है उसका आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ। और राइट नाउ मैं कहाँ हूँ, ऑब्वियसली जैसे आप देख चुके हैं व्लॉग, डी कैथलॉन फाइनली मैं आ चुका हूँ क्रिकेट लाइक जो सेक्शन है वहाँ पर। और यहाँ पूरी किट मैंने असेंबल करी है फॉर अडल्ट्स, ये अडल्ट की क्रिकेट किट मैंने यहाँ असेंबल करी है और इसका आपके सामने अनबॉक्सिंग भी करेंगे, उसका रिव्यू भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एंड वी आर स्टार्टिंग विद द बैटिंग पैड्स। तो ये पैड FLX के अल्ट्रा लाइट मैंने वेयर करे और सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी इसकी, वो लगी इसका जो वेट है, एक्सट्रीमली लाइट वेटेड ये पैड हैं और ये आपके ऑब्वियसली रनिंग बिटवीन द विकेट्स में आपको हिंडर नहीं करेंगे, आप तेज़ रन भाग सकते हैं। और इसमें EVA मोल्डेड फोम यूज़ किया गया है, तो क्या आप जब पेस बॉलर्स फेस कर रहे हैं ना तो आपको डरना नहीं है क्योंकि आपको देगा ज़बरदस्त प्रोटेक्शन एंड ड्यूरेबिलिटी भी देगा, क्योंकि स्टफ मैं ऐसे जब मैं चेक कर रहा हूँ तो आई थिंक ज़बरदस्त प्रोटेक्शन है इसमें। एंड कमाल की बात, अगेन आई विल रिपीट, बहुत लाइट है, फेदर वेट है, लगभग 400 ग्राम इनका वेट है। और एक और चीज़ जो मैं पैड्स में मानता हूँ कि कंफर्ट आपका बढ़ाती है वो है इसकी जो स्ट्रैपिंग होती है। जनरली 3 स्ट्रैप्स के पैड आपने देखे होंगे, लेकिन ये जो स्ट्रैपिंग है वो है डबल स्ट्रैप है, तो ईजिली ये वेयर हो जाते हैं। एंड आई थिंक इसका जो क्वालिटी ऑफ स्टफ है, राइट फ्रॉम कुशनिंग अंदर हो चाहे फिर स्ट्रैप की क्वालिटी भी, आई थिंक लंबे समय पैड चलेगा आपका। और आई थिंक यू कैन गो फॉर दिस पैड, आई थिंक यू शुड गो फॉर दिस पैड ईजिली, क्योंकि बहुत कमाल का पैड मुझे लगा फ्रॉम FLX अल्ट्रा लाइट मॉडल, गो फॉर दिस वन। जब भी आप हेलमेट परचेज करने जाते हैं तो आप सबसे पहले ये देखते हैं वो कितना लाइट है और उसके अलावा वो कितना सेफ फील कराएगा आपको। और FLX का ये हेलमेट आई थिंक इसकी जो इसमें जो टेक यूज़ किया गया है, जो उसमें टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई, ABS आउटर शेल, PES इनर शेल जो कि उसको बनाता है, किसी भी इम्पैक्ट को झेलने की ताकत देता है, तो ये बॉक्स इसने टिक कर दिया प्रोटेक्शन की अगर बात करूँ। इसके बाद आते हैं कि अक्सर ये चैलेंज होता है जब भी आप हेलमेट लेते हो, जब वेयर करते हो, तो आपके सर के अकॉर्डिंग है जो आपका सर का शेप है, तो उसमें दो ऐसी चीज़ें जो कि हेल्प करेंगी आपकी, वो है इसका जो ये नॉब देख रहे हैं, एडजस्टेबल नॉब जो कि आपके अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्टेबल स्ट्रैप्स हैं, अगेन दिस विल हेल्प यू इन गेटिंग अ प्रॉपर, जो आप जब इसे वेयर करते हैं तो प्रॉपर एक जो आई लाइन में आपको वेयर करना पड़ता है कि आपको आपके विजन में कोई दिक्कत ना आए, तो आई थिंक ये दोनों चीज़ें भी इसको बनाती हैं, आई थिंक क्वालिटी बनाती हैं। इसके अलावा स्पेशली हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन सब कॉन्टिनेंट में जहाँ पर आप जब क्रिकेट खेलते हैं तो ऑब्वियसली इतने हीटेड कंडीशन में आप स्वेट करेंगे बहुत ज़्यादा, तो अंदर जो कुशनिंग है, जो कंफर्टेबल कुशनिंग बड़ी मैटर करती है, और कितना कम आप स्वेट कर रहे हैं और कितनी ज़्यादा हवा जो हेलमेट में एंटर कर रही है आसानी से बाहर भी जाए, तब हेलमेट क्वालिटी बनता है। और इसमें जिस तरह से कुशनिंग और जिसका स्ट्रक्चर अंदर से भी इसको बनाता है, ट्रूली वर्ल्ड क्लास FLX का ये हेलमेट, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। जब भी आप ग्लव्स परचेज करने जाएं तो मेक श्योर करें जब आप अपने वेयर करें तो लिटरली आपको वो फील दे कि वो आपके एक्सटेंशन ऑफ योर हैंड्स हैं। और ये ग्लव्स जब मैंने वेयर करे और उसके बाद ऑब्वियसली आई विल ट्राई विद बैट इन माय हैंड, तो ये बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही कंफर्टेबल लगे। और आई थिंक आपकी ग्रिप को इन्हेंस करें जब आप बल्ला पकड़ते हैं, बैट होल्ड करते हैं। और हाँ, आपको सेफ फील करना है स्पेशली अगर अगेंस्ट पेस बॉलर्स, अगर आप बॉल मिस करेंगे और आपके हाथों में आगे लगेगी तो आप उंगलियाँ टूट सकती हैं, आप गेम से बाहर हो सकते हैं। तो इसमें जो स्टफ़ यूज़ किया गया है, EVA मोल्डेड फोम यूज़ किया गया है ये, जो कि आपको इम्पैक्ट से, एक्सट्रीम पेस से बचाएगा, तो आप ऑब्वियसली व्हेन यू विल फील प्रोटेक्टेड तो आप अपना नेचुरल गेम खेलने में आपको हेल्प होती है। तो आई थिंक FLX के ग्लव में ज़बरदस्त प्रोटेक्शन है EVA मोल्डेड फोम की वजह से। एंड हाँ, कि आप इसमें कम स्वेट भी करेंगे क्योंकि मुझे बहुत काफ़ी लाइट, और ये देखिए जो इसकी डिज़ाइनिंग भी है वो स्पेशली बनाई गई है
कि आप स्वेट भी कम करें, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर दिस ग्लव्स फ्रॉम FLX. बीइंग अ क्रिकेटर, आपके पास क्वालिटी शू होने चाहिए, क्रिकेट शूज़ की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि आपके परफॉर्मेंस को इन्हांस करे, आपको कंफर्टेबल महसूस कराए और लंबा चले. तो आई थिंक ये सारी क्वालिटी इस शू में है, जो कि FLX का CS 500 है. और अगर मैं इसकी आपको बेसिक फीचर्स की अगर बात करें, तो सबसे जो मुझे कमाल का फीचर लगा वो लगा कि जब भी आप शू पहनते हैं ना, तो जनरली शूज़ में अगर वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड ना करें, आप कंफर्टेबल महसूस करें शॉट खेलते हुए या रनिंग बिटवीन द विकेट्स में, वो शू आपके लिए नहीं है. लेकिन इस शू में देखिए, आप ये TPU प्लास्टिक साइड में यूज़ करा गया है, जो कि इसको बेटर स्टेबिलिटी देता है. और इसका जो EVA मिड सोल है वो उसमें बेटर कुशनिंग देता है. ये जो बेसिक चीज़ें अगर शूज़ में हैं, तो आई थिंक हैंड्स डाउन वो शू आपके लिए, क्रिकेट की बात कर रहा हूँ मैं, आपको हेल्प करेगा जब आप परफॉर्म करोगे फील्ड में जाके. और हाँ, इस शू की रबर स्टड्स है, जो रबर यूज़ करेंगे एक्सट्रीमली हार्ड है, जो कि हर सरफेस के लिए, चाहे वो हार्ड सरफेस हो, चाहे वो मैटिंग हो, चाहे वो टर्फ हो, हर जगह आप इसको यूज़ कर सकते हैं. और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन आजकल बहुत ज़रूरी है, जैसे पेसर्स बॉलिंग करते हैं, यॉर्कर्स डालते हैं, तो अगर आप बॉल मिस कर जाएं, और या फिर आपको बॉल अगर आपके पैर के गलत एंगल में आगे लगे, तो आप बाहर हो सकते हैं गेम से. तो ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, देखिए लेयर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन बड़े कमाल की है. और जो हील एरिया होता है शू का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपकी हील्स कंफर्टेबल नहीं है, तो आप इंजरी प्रोन होते हो, और आप ज़्यादा स्विफ्टली आप रन नहीं कर पाओगे. तो हील को लेके भी जिस तरीके से इस पर काम किया गया है पीछे, तो आई थिंक बहुत ही सॉफ्ट फील कराएगा, कंफर्टेबल फील कराएगा हील एरिया में आपको. और आई थिंक जो इसमें ये पोर्स आप देख रहे हैं, जो उसकी डिज़ाइनिंग है, वो उसको वेंटिलेशन प्रोवाइड करती है. तो कितना आप स्वेट करते हो जनरली, बहुत स्पेशली इस वेदर में, जब इतना हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन है सब कॉन्टिनेंट में, तो यहाँ पर आप ये जो इसका लिटरली आप विंडो, छोटी छोटी विंडोज देख रहे हैं इशू पे जो बनी है, तो वो उसमें क्या देती है, वेंटिलेशन का वो प्रोवाइड करेंगे, तो आप कम स्वेट करेंगे. तो ऑल इन ऑल बहुत ही कमाल का क्रिकेट शू है, विच यू कैन गो फॉर. आप, और हाँ, आपके किट बैग में क्वालिटी क्रिकेट शू होना चाहिए, तो वो ये प्रोवाइड करेगा FLX का CS 500. गो फॉर दिस वन, हैंड्स डाउन क्वालिटी. आपने अपना सारा स्टफ सेलेक्ट कर लिया क्रिकेट का, लेकिन उसके बाद आपको क्या लेना है, आपको लेना है क्वालिटी क्रिकेट किट बैग. तो ये FLX का 500 मॉडल किट बैग, जो मुझे काफ़ी स्पेशियस लगा. सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब आप किट बैग सेलेक्ट करते हैं, कि कितना स्पेस है उसमें, कितने आसानी से आप अपना सारा स्टफ इसमें डाल सकते हैं. और आई थिंक ये 75 लीटर्स की कैपेसिटी है, विच इज़ ह्यूज. इसमें आपका जो जितना भी बेसिक सामान है क्रिकेट खेलने का, आसानी से आ जाएगा. ये देख रहे हैं आप कंपार्टमेंट, देखिए बैट के कंपार्टमेंट अलग ही आउटसाइड दिए हुए हैं, और इसके एडजस्टेबल स्ट्रैप्स हैं, इजीली यू कैन कैरी इट ऑन योर शोल्डर्स. और ये बहुत ही माइटी लाइट है, आपको महसूस नहीं हुआ कि आपने इतना स्टफ इसके अंदर है, लेकिन उसके बावजूद इट इज़ कम्फर्टेबल, इट इज़ स्टाइलिश ऑल्सो, यू कैन सी अच्छा लग रहा है, नाइस कलर्स ऑल्सो. तो आई थिंक यू कैन, इन फैक्ट यू कैन नहीं, यू शुड गो फॉर दिस वन, FLX 500 का ये किट बैग. और इसमें जो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं, अपने शूज़ भी रख सकते हैं इसमें आप, ऑब्वियसली सारा हेलमेट पैड्स तो ऑब्वियसली आएंगे, लेकिन एक्स्ट्रा स्टफ जो है आपका क्रिकेट का, बेसिक रिक्वायरमेंट्स का, सब स्टफ इसमें आ सकता है. यू शुड डेफिनेटली गो फॉर FLX 500 किट बैग, क्वालिटी हर सेंस में. ये FLX का आपने अडल्ट क्रिकेट किट देखा पूरा, और ये उनके लिए था ऑब्वियसली, जो अपनी जर्नी क्रिकेट की स्टार्ट कर चुके हैं. लेकिन अगर आप अपनी क्रिकेट की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, और जब आप फर्स्ट टाइम क्रिकेट का स्टफ लेने जाते हैं, बहुत ही स्पेशल फीलिंग होती है वो, राइट फ्रॉम द स्मेल ऑफ योर न्यू किट बैग टू होल्डिंग योर फर्स्ट बैट, या फिर जब आप पहली मरतबा बैटिंग पैड्स पहनते, ग्लव्स पहनते हैं. तो FLX का ही जूनियर क्रिकेट सेक्शन यहाँ पर, ये देखिए, यू कैन सी इट हियर, कि जूनियर्स के लिए जो कि अपनी क्रिकेट जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर वर्ल्ड क्लास स्टफ अवेलेबल है. और विथ सिमिलर टेक्नोलॉजी, मैं बोलूँगा सिमिलर क्वालिटी के साथ, FLX का ये जूनियर पैड, ये देखिए. और इस जूनियर पैड के सबसे कमाल की बात आपको बताता हूँ मैं, कि ये एम्बिडेक्स्ट्रस है. दैट मीन चाहे आप राइट हैंडर हो, लेफ्ट हैंडर हो, दोनों ही इसको यूज़ कर सकते हैं. अगेन EVA मोल्डेड फोम है, जो कि आपको इम्पैक्ट से बचाएगा. और बीइंग अ किड, जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो, तो यू नीड टू बी सेफ, क्योंकि आप कहीं भी बॉल आपको आके लग सकती है. नया नया क्रिकेट खेलना आप स्टार्ट कर रहे हो, सीख रहे हो, तो बहुत ज़रूरी है प्रोटेक्शन. तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा FLX का ये पैड फॉर जूनियर्स. एंड हाँ, अगेन आई विल रिपीट, एम्बिडेक्स्ट्रस है, चाहे आप राइट हैंडर हो, लेफ्ट हैंडर हो, तो ये उस कन्फ्यूजन से आपको दूर रखेगा. एंड एक्सट्रीमली लाइट, बहुत लाइट है, लगभग 300-400 ग्राम के बीच में इसका वेट है. तो जब आप रनिंग करते हैं, जो क्रिकेट खेलना पहली बार स्टार्ट करते हैं, तो ये सब चीज़ें अनकंफर्टेबल होती हैं आपके लिए, लेकिन ये पैड आपको वैसा फीलिंग नहीं देगा. एंड यू विल फील सो लाइट ऑन योर फीट, स्पेशली यंग किड्स जितने भी हैं, ये पैड्स हो गया.
अब विल गो फॉर द ग्लव्स, ये रहे ग्लव्स जो कि बैटिंग इनर लग रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो आपकी यंग एज होती है तो आप बिल्कुल लाइट ग्लव्स, एक्सट्रीमली लाइट। इसमें भी EVA मोल्डेड फोम यूज़ किया गया है जो कि उसको बनाता है, ज़बरदस्त प्रोटेक्शन देता है, तो आपकी उंगलियाँ हर्ट नहीं होंगी, एक्सट्रीमली लाइट है, बहुत ही लाइट है। तो आई थिंक अगर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं क्रिकेट की तो दिस इज़ द ग्लव्स फॉर यू। ये भी FLX के हैं, पैड हो गए, ग्लव्स हो गए, यू हैव सीन इट हियर, एंड ऑब्वियसली यू विल नीड अ हेलमेट ऑल्सो। सो क्रिकेट के लिए हेलमेट्स में आई कैन सी इस सेक्शन में हेलमेट भी अवेलेबल है, और इसमें सेम टेक यूज़ किया गया जो अडल्ट क्रिकेट किट में था, हेलमेट्स में था। तो इसमें ABS आउटर शेल और इसकी EPS इनर शेल इसको बनाती है, लाइक प्रोटेक्शन में सारे मार्क्स देती है, ज़बरदस्त प्रोटेक्शन है इसका और एक्सट्रीमली लाइट। जब आप क्रिकेट अपना स्टार्ट करते हैं तो ये सब चीज़ें काफ़ी अनकंफर्टेबल होती है, हेलमेट पहनना भी। तो आई थिंक जब आप इसको वेयर करेंगे बींग अ जूनियर क्रिकेटर तो आप इसे कंफर्टेबल महसूस करेंगे। FLX का ये हेलमेट एंड एडजस्टेबल स्ट्रैप जो कि आप आसानी से अपने सर के अकॉर्डिंग इसको आप इसको वेयर कर सकते हैं विद गुड कुशनिंग फ्रॉम इनसाइड, तो जूनियर्स को बहुत कंफर्टेबल महसूस होगा। और हाँ, जितने भी जूनियर्स ऑब्वियसली इस वीडियो को जब देखेंगे तो मेक श्योर करें आपका जो सारा स्टफ हो, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए होना चाहिए उस एज में कि कंफर्ट कितना है, कितना कंफर्ट है, कितना लाइट है, और हाँ उस इकोनॉमी वाइज भी आई थिंक ये सारा स्टफ जो है वो बहुत ही इकोनॉमी है, लाइक इकोनॉमिकल है, जो कि आपकी पॉकेट को बर्न नहीं करेगा। तो बहुत ही क्वालिटी स्टफ, क्वालिटी हेलमेट फ्रॉम FLX फॉर जूनियर किड्स। हेलमेट आपने देख लिया, अब और भी स्टफ अवेलेबल है राइट फ्रॉम योर एल्बो गार्ड फॉर जूनियर, जो कि जनरली इतना इजीली एक्सेसिबल सामान अभी नहीं बन रहा है जूनियर्स के लिए। अब यू कैन सी इट, आई थिंक ये स्पेशलिटी मुझे लगी यहाँ की FLX की, जो कि डिकैथलॉन का क्रिकेट ब्रांड है, कि वहाँ पर जूनियर्स के लिए भी जो ध्यान दिया गया है सारा स्टफ जूनियर्स के लिए अवेलेबल है, राइट फ्रॉम एल्बो गार्ड टू बैटिंग इनर्स, हेलमेट, ग्लव्स, ये आप सब देख चुके हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें, आपको चाहिए क्वालिटी किट बैग भी, तो एक किट बैग भी फॉर किड्स, इसकी कैपेसिटी 50 लीटर्स है, तो आई थिंक सफिशेंट सामान जितना भी जूनियर्स का सामान है वो इजीली इस बैग में आ जाएगा, विद डिफरेंट कंपार्टमेंट्स भी यहाँ अवेलेबल है। यू कैन कीप योर अदर स्टफ, जो क्रिकेट का अदर लाइक शूज़ हो गया, वाटर बॉटल हो गया, यू कैन कीप इट हेयर इन योर साइड्स, लाइक आप अपना जो क्रीम वगैरह है, जिंक क्रीम है, वो भी आप अपना साइड में रख सकते हैं। तो आई थिंक एक बैग में स्पेस होना बहुत ज़रूरी है, बीइंग अ जूनियर क्रिकेटर हो चाहे एडल्ट हो, आपके पास स्पेशियस होना चाहिए बैग, जिसमें आप सारा सामान आसानी से आप उसे कैरी करें, एंड विद लाइक जो स्टफ है वो भी इंपॉर्टेंट है, जल्दी लाइक फटे ना, ड्यूरेबल है। तो आई थिंक ये ड्यूरेबल भी है FLX का ये किट बैग फॉर जूनियर्स। तो आई थिंक जितने भी जूनियर्स हैं बड़ा इन्जॉय करेंगे जब सारा सामान इसमें आएगा ना, तो ये स्कूल बैग वाली फीलिंग नहीं देगा, बोझ नहीं लगेगा आप पे, आप इसको फन पे पहने, क्रिकेट खेलने जाना है यार, गो फॉर दिस वन। तो ये जूनियर क्रिकेट सेट था फ्रॉम FLX, लेकिन जैसा पैशन है हमारे ना क्रिकेट का यार, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, लाइक मानसून हो, हम कभी भी क्रिकेट से दूर नहीं रह सकते हैं। तो FLX ने ऑल वेदर क्रिकेट सेट निकाला है, एक अगर आप जूनियर हैं, लाइक अपने क्रिकेट अपना स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर यार सीनियर भी यूज़ कर सकते हैं, इतने पैशनेट लोग कहीं भी खेलते हैं ना क्रिकेट यार, किसी भी गली में स्टार्ट कर देते हैं। तो ये ऑल वेदर क्रिकेट सेट CST 500 फ्रॉम FLX ये निकाला है, और यार ये बैट मुझे बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है जब मैं इसे होल्ड कर रहा हूँ। और स्टार्ट हो जाइए जहाँ भी आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो उसमें आपको क्या मिलेगा ऑल वेदर क्रिकेट सेट में, आपको स्टम्प्स मिलेंगे, बॉल मिलेगी, और ये बैट मिलेगा जो कि बहुत लाइट है, बड़ा मज़ा आएगा, स्पिन की तरह बॉल जा रही है, और साउंड भी बड़ा, पुरानी यादें आपकी ताज़ा हो जाएंगी। और हाँ, अगर आप जूनियर हैं तो यू विल लव दिस प्रोडक्ट, ऑल वेदर क्रिकेट सेट, गो फॉर दिस वन। और हाँ, मैं गार्ड ले रहा हूँ, और यार सबसे एक्साइटेड मैं अभी फील कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैंने एक जगह टेनिस बॉल के इतने सारे बैट्स देखे हैं और टेनिस बॉल्स भी देखे हैं, तो आई एम बिट एक्साइटेड इन द सेंस कि दोबारा इट इज़ लाइक गोइंग बैक इन टाइम। जब स्टार्ट करते हो क्रिकेट जर्नी अपनी, तो ऑब्वियसली स्टार्ट करते हो टेनिस बॉल्स, हर कोई टेनिस बॉल से स्टार्ट करता है, चाहे वो ग्रेट सचिन तेंदुलकर हो या वसीम अकरम, सब ने कहीं ना कहीं टेनिस बॉल, टेप बॉल से स्टार्ट किया है। तो टेनिस बॉल के बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं यहाँ बैट में, जो मैंने आई थिंक जो भी बैट होल्ड किया, तो अब टेनिस बॉल के बैट्स पर भी इतना काम होने लगा है, क्योंकि यार वे बैक अगर हम 10-15 साल पहले ही चले जाएँ तो इतनी मेहनत नहीं हो रही थी बैट्स पे, स्पेशली टेनिस में। क्रिकेट पर जो बैट्स आपके अडल्ट के थे लेदर बॉल के, उस पर काफ़ी मेहनत होती, लेकिन इन बैट्स पे काफ़ी एफर्ट गया राइट फ्रॉम द शेप, साइज, वेट, हैंडल, सब पे काम हुआ है। तो आई थिंक अगर आप टेनिस बॉल लवर हैं, जो कि हम सभी लोग कभी ना कभी रहे हैं लाइफ में, कभी ना कभी हम लोगों ने टेनिस बॉल से ऑब्वियसली बड़ा इन्जॉय किया है, तो आई थिंक ये बैट्स आपको बड़ा इंप्रेस कर। और इसमें से 4 बैट्स मैंने सेलेक्ट करे हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हैं, जूनियर क्रिकेट के लिए भी और एडल्ट क्रिकेट के लिए भी। तो वो रहे वो 4 बैट जो मैं आपको यहाँ पर आपके सामने ही आई विल शो यू। और इसमें से जो मेरा फेवरेट है, इन द सेंस के चारों मुझे पसंद आए, बट लेकिन
सबसे अच्छा जो लगा वो भी मैं आपको बताऊँ। तो ये वो चार बैट आपके सामने, यू कैन सी इट हियर, जो मैंने आपके लिए हैंड पिक करें, टेनिस बॉल अगर आप प्लेयर हैं या फिर आप शौकीन टेनिस बॉल भी खेलते हैं, या आपके परफॉर्मेंस को इन्हेंस ही करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। तो ये मॉडल्स अगर आप देखें राइट फ्रॉम दिस वन, ये है डीकैथलॉन FLX T900 लाइट मॉडल, और इसके जस्ट बगल में है T500 डीकैथलॉन पावर ये वाला, और इसके बगल में यू कैन सी T500 लाइट। तो इन तीन मॉडल्स को जब आप देख रहे हैं बैट्स के मॉडल को, इनफैक्ट चौथे पे मैं अलग से आऊँगा, उस पर लाइक डिटेल में बात करेंगे। तो इन तीनों मॉडल में यू कैन सी इट हियर, इनकी जो चौड़ाई है वो काफ़ी ह्यूज है। अगर हम ट्रेडिशनल बैट से कंपेयर करें तो आप बॉलें बड़े कम मिस करेंगे, इनके जो हैंडल्स हैं वो बड़े कंफर्टेबल हैं, तो जब आप ग्रिप करेंगे बैट तो उसमें डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो ये सारे तीन मॉडल्स यू कैन आपने यहाँ देख लिए, लेकिन मैंने जो हैंड पिक किया है लाइक ये चारों बैट अच्छे हैं, बट ये वाला जो है लाइक इस मॉडल को मैं अपना फेवरेट मानूंगा, क्योंकि इसका सिंपल रीज़न है, क्योंकि जैसे मैंने इसे ग्रिप किया, जिसका बैलेंस है इस बैट का, लाइक टेनिस बॉल में अगर आपको टेनिस बॉल के बैट में अगर आपको बैलेंस मिल जाए तो आई थिंक यू विल गो फॉर दिस वन। और बहुत चौड़ा है यार ये बैट, कोई बॉल मिस नहीं होगा। तो डीकैथलॉन का FLX का ये T900 मैक्स मॉडल है फॉर टेनिस बॉल, और जैसे मैंने इस बैट को होल्ड किया ना तो आई फेल्ट अमेजिंग इन द सेंस कि मुझे बहुत ही कंफर्टेबल और बैलेंस बड़ा कमाल का लग रहा है। और ये वर्ड आप एसोसिएट नहीं करेंगे अगर मैं बात करूँ यू नो टेनिस बॉल के बैट से कि बैलेंस भी कैसा है, आई थिंक बैलेंस बड़ा कमाल का है। स्कूप मॉडल है जो कि इसके वेट को यार 900 से 1000 ग्राम में कमाल का यू नो एक लाइटनेस देता है, और ह्यूज स्पिंग जो कि आप फुटेज में देख पा रहे होंगे, मैंने उससे ग्राउंड में भी इसको टेस्ट किया इस बैट को, तो रिजल्ट्स आर क्वाइट अमेजिंग, बॉल लिटरली फ्लाई कर रही है। और इस बैट में दो और ऐसे फीचर हैं जो कि इसको आई थिंक बहुत ही डिपेंडेबल बनाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब आप यू नो कुछ लंबे हिटें लगाते हैं, पावरफुल हिट लगाते हैं, तो बैट में अलग सा यू फील अ शॉक इन योर हैंड्स। तो यहाँ पर जिस तरह से इसमें 4 केन रबर यूज़ करेगी इसके हैंडल में, इसको आप लाइक लिटरली आपका शॉक एब्जॉर्वर का काम करती है। और टेनिस बॉल क्रिकेट आप चाहे कोई सा भी वेदर हो, चाहे पानी बरस रहा हो, चाहे फिर यू नो कैसा भी वेदर हो, आप इंटरेस्टेड होते हैं टेनिस बॉल खेलने में, तो ये जो टो गार्ड है वो बचाएगा आपको, आपके बैट को लाइक लॉन्ग लाइफ देगा। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें बनाती हैं इस बैट को क्वाइट स्पेशल। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मेरे लिए कि बॉल फ्लाई करे लिटरली, लंबे लंबे हिट लगा पाऊँ, छक्के लगा पाऊँ मैं टेनिस बॉल से। तो आई थिंक अब मैं इसको यूज़ करूँगा, बहुत दिनों बाद आई थिंक टेनिस बॉल खेलूँगा मैं, लेकिन आई विल लव दिस वन, तो आप इसे ट्राई करिए। तो गाइज फाइनली वी आर डन, और मैं बड़ा एक्साइटेड था ये करने के लिए, क्योंकि पहली मरतबा ब्लॉग कर रहा हूँ, और वो भी इतनी स्पेशल जगह डीकैथलॉन में, जो कि आई थिंक वन स्टॉप डेस्टिनेशन है फॉर ऑल स्पोर्ट्स लवर। और ये जो वी आर ट्राइंग टू मेक अवर कंट्री अ स्पोर्टिंग नेशन, तो उसमें बड़ा ह्यूज रोल प्ले करेगा। और इस चैनल का भी इंटेंशन जब मैंने स्टार्ट किया था वो था कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल हिंदुस्तान के अवेयर हों स्पोर्ट्स खेलने को लेके। तो आई थिंक डीकैथलॉन जब आप स्टोर विजिट करेंगे, अगर आप स्पोर्ट्स लवर नहीं है, यू विल फेल इन लव विद स्पोर्ट्स, आपको मज़ा आएगा। और हाँ, पर्टिकुलर अगर FLX की बात करूँ, जो क्रिकेट ब्रांड है डीकैथलॉन का, उसमें कमाल की बात क्या है, वैरायटी बड़ी कमाल की है। लाइक इन द सेंस कि अगर आप टेनिस बॉल क्रिकेटर हैं, आप प्रोफेशनल लेदर बॉल क्रिकेटर हैं, आप जूनियर हैं, आप अडल्ट हैं, सबके लिए यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पर आएंगे, अपना किट बैग आप बनाएंगे, पैक करेंगे और सीधे जाएंगे घर, और फिर ट्रेनिंग ग्राउंड और स्टार्ट करेंगे इन्जॉय करना। और हाँ, बहुत ज़रूरी है अपने स्पोर्ट्स को इन्जॉय करना, ज़्यादा सीरियसली आप चीज़ को ले लेते तो आप उसे इन्जॉय नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर आके मुझे वो फीलिंग एक बार फिर से मिली, क्योंकि मैंने टेनिस बॉल बैट्स भी बहुत दिनों बाद अपने हाथ में होल्ड करे, तो आई हैड अ ग्रेट टाइम, और आई होप आपको बड़ा मज़ा आया हो। और ऐसे व्लॉग्स आई विल ट्राई टू डू, स्पोर्ट्स शॉपिंग वाले व्लॉग हों, और भी व्लॉग्स आई विल ट्राई टू डू डीकैथलॉन से। अभी आई थिंक आई विल साइन ऑफ, चलते हैं, एंड आई विल सी यू इन अनदर व्लॉग, मिलेंगे दोबारा जल्दी। और अभी गलती करूँ ना इस व्लॉग में यार, पहली बार कर रहा हूँ, माफ़ कर देना, इम्प्रूव होते रहेंगे यार, लाइफ इज़ ऑल अबाउट इम्प्रूविंग। सी यू ऑल।